हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं घंटी को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मॉडर्न स्टडी में। तो मैं अरशद खान आज आपके साथ भारत के इतिहास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि भारत के इतिहास पर, हमारा जो भारत का इतिहास है उस पर, हमारे भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ, भारत के जो चारों तरफ तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है उसका, और भारत की आर्थिक सामाजिक स्थिति का भारत के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन हम देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संस्कृति में अनेकता में एकता को स्पष्ट कीजिए। कि हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे भारत का जो सभ्यता है, उसमें इतनी सारी अनेकताएं होने के बाद भी जो एकता है उसका कारण स्पष्ट कीजिए कि वो कौन से रीजन्स हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके द्वारा हमारे देश में अनेकता के बाद भी एकता है। तो भारतीय संस्कृति में इंद्रधनुषी रंग है, यानी कि इंद्रधनुष में जिस तरह से आप देखते हैं सात रंग होते हैं, उसी तरह से हमारे भारतीय संस्कृति में भी कई सारे रंग हैं। कन्या कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तथा लक्षद्वीप से लेकर के अरुणाचल तथा भारत तक भारतीयों के खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, बोलचाल, चिंतन, मनन, आचार विचार, विश्वास आदि में भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता के बावजूद भारत में एकता है। जिस तरह पेड़ तथा तना एक नहीं है और उनके ऊपर अनेक जो शाखाएं हैं तथा फल आदि हैं, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति के जीवन धार एक है लेकिन उनकी अभिव्यक्ति अनेक रूपों में देखी जाती है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान संस्कृति की विविधता। तो भारतीय संस्कृति की विविधता को अनेक रूपों में देखा जा सकता है। धर्म की दृष्टि से भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, इस्लाम, ईसाई तथा अन्य अनेक मत मतांतर रहे हैं। इसी तरह वेशभूषा तथा खान पान में भी प्रांतों के अनुसार अंतर देखा जा सकता है। मोटी बात यह है कि उत्तरवर्ती क्षेत्र के व्यंजन तथा वेशभूषा के प्रसाधन दक्षिणी क्षेत्र के व्यंजन तथा वेशभूषा के प्रसाधनों से बिल्कुल अलग है। भाषा की दृष्टि से उत्तरवर्ती क्षेत्रों में भायोरोपियो परिवार की भाषाओं, यानी कि जैसे कि हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी आदि बोली जाती है, जबकि दक्षिण के क्षेत्र जो है वहां के परिवारों में कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु का प्रयोग किया जाता है। अन्य ऐसे माध्यम जो भारत के संस्कृति वैविध्य को प्रकट करते हैं विभिन्न जातियों तथा प्रजातियों का। यह देश भौगोलिक भिन्नताओं के गुण से भी आभूषित है। भारत वस्तुतः भारत भिन्नताओं का एक अजायब घर जैसा है। भारतीय संस्कृति में एकता की बात करें तो भारत की संस्कृति में बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इसमें आत्मा एक है। यदि अन्वेषण किया जाए तो स्पष्ट होगा कि भारतीय संस्कृति में भाषागत, धर्मगत तथा अन्य दृष्टियों से एक रूपता विद्यमान है। वेदालंकार में कहा है, लिखा है कि पंजाबी, बंगाली, मद्रासी आदि आकार, रूप, रंग, भाषा आदि के सब प्रकार से भिन्न है, किंतु आंतरिक रूप से एक हैं। वे एक ही हिंदू द अनुयायी हैं। उनके आदर्श पुरुष श्री राम और श्री कृष्ण एक से हैं। वे समान रूप में वेद, उपनिषद, धर्म शास्त्र, पुराण, ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं। गाय, गंगा, गायत्री सर्वत्र पवित्र माने जाते हैं। शिव, विष्णु, दुर्गा आदि पुराण प्रतिपादित देवी देवताओं की सभी पूजा करते हैं। सारे देश में हिंदुओं के तीर्थ फैले हुए हैं। चारों दिशाओं में चार धाम भारतीय संस्कृति की एकता के प्रमाण हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली पुरियां अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची आदि सारे देश में बिखरे हुए हैं। प्राचीन काल में हिंदू गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी को सम्मान देते थे। रामायण तथा महाभारत संपूर्ण भारत में चाव से सुने जाते हैं। स्पष्ट है कि भारत की संस्कृति में एकता का प्रमाण है। तो भारत में अनेकता होते हुए भी एकता का इसी तरह से प्रमाण दिया जाता है। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियों ने भारतीय इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया है, यानी कि जो हमारे भारत की भौगोलिक परिस्थिति है उसने भारत के इतिहास को, पूरे इतिहास को किस तरह से प्रभावित किया है, किस तरह से इसकी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमारे देश का इतिहास बना है, इसके बारे में जानना है। तो किसी एक स्थान के भूगोल का उसके इतिहास से घनिष्ठ संबंध होता है। स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों का वहां के इतिहास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव हमें कई प्रकार से तथा कई रूपों में मिलता है। जैसे कि भारतीय भौगोलिक परिस्थितियों ने भी भारतीय इतिहास को कई प्रकार से प्रभावित किया है। भौगोलिक रूप से कई भागों और प्रभागों अथवा प्रदेशों में विभक्त भारत में हमेशा राजनीतिक एकता का अभाव पाया गया है। भारत के कई छोटे छोटे राज्य विद्यमान रहे हैं। इन राज्यों का अपना अपना इतिहास रहा है। इनमें विभिन्नता पाई जाती है।
इन भौगोलिक विभाजन के कारण ही भारतीय इतिहास में ही में हमें क्रांतियों के दर्शन नहीं होते। यहाँ जीविका कमाना सरल रहा है, अतः यहाँ के लोग राजनीतिक दृष्टि से दास बने रहे हैं। भौगोलिक अथवा प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण भारत के इतिहास में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता का अभाव है। भारतवासियों का निष्क्रिय अथवा गतिहीन जीवन, साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी भावना का ना होना, शांतिप्रियता, अहिंसा की भावना का विकास, उत्तरी भारत की ऐतिहासिक प्रभुता, विदेशी परिस्थितियों की जानकारी ना होना, भाग्य पर भरोसा करना, प्राकृतिक रूप से संपन्न होना और विदेशियों के आक्रमण आदि प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं, जिससे यह अस्पष्ट होता है कि भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उन्होंने भारत के इतिहास को प्रभावित किया है। अगर भौगोलिक परिस्थितियां इस अनुकूल ना हों तो कोई विदेशी आक्रमण कैसे कर सकता है? जिस तरह से भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसी तरह से जिससे समुद्र है, तो इन्होंने भारत में आने का एक रास्ता बना दिया है जो कि विदेशियों को भारत में आमंत्रित करते हैं। तो भारत की भौगोलिक परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिस तरह से भारत का इतिहास बना है। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि समुद्र ने भारत के इतिहास पर क्या प्रभाव डाला है? कि हमारे जो भारत भारत देश है, ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा देश है, जिसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये समुद्र जो है, इन्होंने भारत के इतिहास पर क्या प्रभाव डाला है? अगर ये समुद्र ना होते तो भारत का इतिहास कैसा होता, और समुद्र होने के कारण हमारे भारत का इतिहास किस तरह से प्रभावित हुआ है, उस पर बात करना है। तो भारत तीन ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। कवियों की कल्पना में भारत माता के पैर समुद्र अपनी लहरों से धोता रहता है। इस जलमार्ग में भारत का संबंध एशिया के दक्षिणी पूर्वी टापुओं और पश्चिमी भागों तथा अफ्रीका और यूरोप से स्थापित हुआ। प्राचीन काल से ही भारत संसार के व्यापार और यातायात का प्रमुख केंद्र बना रहा है। उसका सामुद्रिक व्यापार बहुत विस्तृत है। बहुत से भारतीय व्यापारियों ने पूर्वी एशिया, हिंद और पूर्वी द्वीप समूहों में उपनिवेशों की स्थापना की है। मध्य युग में, विशेषतः अरब निवासी और आधुनिक युग में, यूरोप की विभिन्न जातियों ने भारत में इसी मार्ग से प्रवेश किया है, जिनके आगमन का भारत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है यूरोपीय आक्रमणकारियों का। भारत के समुद्र तट ना होते ना तो बहुत उथले हैं, ना ही बहुत कटे फटे हैं, अतः भारत में कुशल नाविकों का सदा से ही अभाव रहा है, और भारतीयों का सामुद्रिक बेड़ा भी उत्तम एवं दृढ़ नहीं हो सका। इसलिए ये उन जातियों के बेग को नहीं रोक सके जिन्होंने समुद्र की ओर से भारत में प्रवेश करने कर अपने साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया, उनको रोकने में ये असफल रहे, और इससे भारत का इतिहास विदेशियों से भरा हुआ है। आप देखेंगे भारत में सदियों से जैसे ही नाव का आविष्कार हुआ, लोग भारत में आना शुरू हुए। कभी मौर्यों ने भारत पर आक्रमण किया, कभी मुगलों ने आक्रमण किया, कभी भारत पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया, कभी भारत पर पुर्तगालियों ने आक्रमण किया। तो भारत आक्रमण का केंद्र बना रहा है इसी समुद्र के रास्ते के जरिए। तो समुद्र का भारत के इतिहास पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अभिलेखीय साक्ष्य का महत्व स्पष्ट कीजिए। कि भारत का जो प्राचीनतम इतिहास है, वहां पर अभिलेख लिखवाए जाते थे। जो भी राजा होते थे, उनके जो विचार होते थे, जो उनकी सभ्यता के मूल रत्न होते थे, उनको वो अभिलेख के रूप में लिखवा करके रख देते थे। तो उनका महत्व तो क्या था, इसके बारे में हमें बात करना है। तो भारत प्राचीन भारतीय इतिहास में लेखन में अभिलेखीय साक्ष्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह महत्व तो इन कारणों से स्पष्ट होता है, जैसे कि भारत प्राचीन भारत में कई लेखों से न केवल विविध राजनीतिक महत्व की समस्याओं का पर प्रकाश पड़ता है, अपितु तत्कालीन साहित्य, संस्कृति एवं जनजीवन के अन्य पर भी इसके महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। कि उस समय के लोगों का जीवन कैसा था, उस समय राजनीतिक क्या प्रभाव था, उस तरह समय साहित्यिक सांस्कृतिक किस तरह से उस समय चलते थे, उस समय की व्यवस्था के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है। दूसरा, इन लेखों से शासकों के नाम, शासन वंश, तिथि और समयकालीन की घटनाओं का विवरण मिलता है, कि कौन सा शासक कौन कितने समय तक शासन किया, कौन से वंश का था, इसके बारे में भी हमें पता चलता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, कभी-कभी इन लेखों से साहित्यिक ग्रंथों में उपलब्ध सूचनाओं का समर्थन होता है। इससे इतिहासकार उस विषय में अधिक निश्चित या निर्णायक मत प्रदान कर सकते हैं। चौथी बात करें तो कभी-कभी लेखों के लेख लेख को जारी करने वाले शासक के नाम के अतिरिक्त उसकी वंशावली भी दी हुई होती है। जैसे कि रुद्रदामन के लेख से ज्ञात होता है कि वह जयदामन का पुत्र है और चष्टन का पौत्र है। वंशावली की यह परंपरा गुप्त लेखों में चरम सीमा पर दिखाई पड़ती है। वंशावली की सहायता से इतिहासकारों को उत्तराधिकार
क्रम समझने में बड़ी सहायता मिलती है। पांचवी अगर विशेषता की बात करें तो इन लेखों से शासन व्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है, यानी कि वह किस तरह का शासन था उसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट छठी बात करें तो साम्राज्य की विभिन्न विविध प्रशासनिक इकाइयों के संबंध में इससे सूचना मिलती है। और प्राचीन भारत में कुछ लेख साहित्यिक महत्व के भी मिले हैं, जैसे कि धार तथा अजमेर की चट्टानों पर नाटक लिखे हुए हैं। पदकोट्टा के अंतर्गत कुड़मिया मलय नाम के स्थान पर प्राप्त लेख पांच में संगीत के नियमों का उल्लेख है। इस तरह से उस समय के समाज के बारे में, उस समय के देश के बारे में, उस समय के व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है अभिलेखों के जरिए से। यही इनका महत्व है, यही इनकी पहचान है, जिसके द्वारा इनका महत्व बढ़ता रहता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है कि इतिहास में स्रोत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कि इतिहास में जो स्रोत होते हैं उनके बारे में बताइए, कि जिस चीज से हम इतिहास के बारे में जानते हैं उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, प्रत्येक विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ आधारों का होना बड़ा ही आवश्यक होता है। अतः वे आधार जिनके माध्यम से किसी विषय की हमें संपूर्ण जानकारी मिलती है उसको स्रोत कहा जाता है। प्राचीन इतिहास में स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राचीन भारतीय इतिहास के आंतरिक स्रोत तथा प्राचीन भारतीय इतिहास के विदेशी स्रोत। आंतरिक स्रोत क्या होते हैं? तो आंतरिक स्रोतों के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत, अभिलेख, सिक्के तथा स्मारक आदि आते हैं, जबकि विदेशी स्रोतों के अंतर्गत विदेशी यात्रियों का भारत वर्णन आदि लेख आता है, कि उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा वो विदेशी यात्रियों के जो उनके लेख हैं उनसे पता चलता है। और जो आंतरिक है वो भारत के जो अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, उनके द्वारा हमें पता चलता है। तो स्रोत का हमेशा से ही इतिहास पर बड़ा ही महत्व स्थान रहा है, कि स्रोतों के बिना हम इतिहास के बारे में जान नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की वीडियो, जिसमें आपसे पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया गया। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी ही वीडियोज लगातार मिलती रहेंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।